की दावे वादे और नारे सब हवा हो गए। ईद खत्म होने को आई, सफाई का निजाम ठीक ना हो सका। शहर में जा बजा जानवरों की ओजड़ियां, अंतड़ियां और आलाइशें मौजूद हैं। इमरान मलिक से जानते हैं कि शहर को नजर किसकी लग गई है। इमरान बताएगा क्या सूरत हाल है। दावे तो किए गए थे साफ सफाई के लाहौर को साफ रखा जाएगा, लेकिन आज तीसरा दिन है ईद का और अभी तक जो आलाइशें हैं वो भी नहीं उठाई गई हैं। आज जी बिल्कुल नीलम, इस वक्त मैं यूनियन काउंसिल 43 में मौजूद हूं। अगर बात की जाए इस वक्त सफाई की और इस वक्त जो ईद का जो प्लान था वो जो दिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ हवा होकर रह गया। और आज ईद का तीसरा दिन है, सफाई के जो दावे किए जा रहे थे कि जी लाहौर को साफ किया जाएगा और आज तीसरा दिन है, गंदगी के ढेर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ की। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अगर मेरा कैमरामैन अदनान मेरे साथ चलकर दिखाए तो ये पीछे इस वक्त यूनियन काउंसिल 43 है, ये मेन रोड है तेजाब हाथे की और मेन जीटी रोड बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है। और ये देखिए कूड़ेदान इस वक्त बिल्कुल फुल हुए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर अंतरियां भी पड़ी हुई हैं, ऑफिस भी पड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ बकरे की सीढ़ियां भी पड़ी हुई हैं। और इस वाले से जो LWMC की अगर बात की जाए तो यहां पर जो उनकी अमला है वो आता तो है मगर सही तरह जिस तरह हर साल सफाई होती थी वैसे सफाई इस साल नजर नहीं आ रही। यहां पर चेयरमैन जो है यूनियन काउंसिल के समीला खान भी मौजूद है, इलाके के लोग भी मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं कि मुतद्दिद इलाकों में आखिर यह क्या सुतेलापन है, यह मुतद्दिद इलाकों में कूड़ा क्रिकेट क्यों नजर आ रहा है। मेन रोड जहां जहां से हम आए हैं ये इंतजाम आते तक मेन रोड बिल्कुल साफ दिखाई दी है मगर इलाकों में कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं और क्या अमला यहां पर सुस्त रवि का क्यों शिकार हो रहा है और यहां पर इलाकों से क्यों नहीं कूड़ा उठा रहा, इनसे ही बात करते हैं। समीले साहब आप बताएं, आप चेयरमैन भी हैं, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है, आप इस हवाले से बताएं कि ये क्यों कूड़ा यहां पे पड़ा हुआ है क्योंकि आप तो यहां पर पिछले साल भी सफाई करवाते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का मशहूर हूं कि शुक्र है कि आपको भी ख्याल आया UC43 का। ये पिछले साल की सफाई को देखें और इस साल की सफाई को देखो, जिंदा मिसाल आपके सामने है कि लोगों ने अभी चार दिन हुए गवर्नमेंट बनी को और खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ को याद करना शुरू कर दिया है। ये जो कूड़े के ढेर लगे हैं, आंतियाँ लगी हैं, हम तो दो तीन दिन से मेहनत कर रहे हैं कि अगर कोई नई गवर्नमेंट आई है उसे भी चांस मिलना चाहिए, वो करके दिखाइए। तो नहीं कि दफ्तरों में बैठ के खाली वहाँ से बैठ के उसको सस्पेंड कर दिया, उसको उतार दिया, उसको बैठा दिया, इससे तो अमला ठीक नहीं हो रहा। ये आपके सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं हर तरफ, बोई बोई पूरा लाहौर में। बल्कि लाहौर वेस्टमेंट कंपनी में किन को फोन किया आपने, जेडो को फोन किया? मैंने लाहौर वेस्टमेंट में जी अपने जेडो साहब को, जो है बड़ साहब को भी फोन किया, मैंने रऊ साहब को भी फोन किया, मैंने अल बुरा के जो उमर साहब है उन्हें बार बार फोन किया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए जी हम क्या करें, मशीन ही नहीं आ रही है। फिर मैंने रात को मलक सेल साहब है, GM साहब, मैडम शहर साहब है, उनको फोन किया। रात को 12 बजे मैंने ये गैस फैक्ट्री प्लांट से जो है ना, इमरान मलिक हमारे साथ रहेगा, अभी मजीद भी इस पे बात करेंगे। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनवारुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। प्लान दिया गया था, वाजे किया गया था, खासतौर पर सफाई सुथराई ईद के दिनों में बड़ा प्लान सामने आया है, लेकिन अभी तक शहरी भी नाला नजर आ रहे हैं और अगर कल की बात की जाए तो कल भी सूरत हाल यही थी, उससे पहले भी और आज भी वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सूरत हाल तो मेरे ख्याल से वो तो आप कैसे एंड कर रहे हैं। कल मैं वॉल सिटी में था, बल्कि आप लोग मोटरसाइकिल पे ना, आपकी पूरी टीम थी लाहौर न्यूज की, मन के साथ क्या था तो मुझसे पूछ रहे थे जी कैसी सफाई है। मैंने कहा मैं तो नहीं पूछूंगा, आप लोगों से पूछें लोग क्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो शायद आपने क्लिप चलाया भी था मीडिया के ऊपर, वो टीम ने जिससे पूछा तो हमने कहा जी सफाई ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कई जगहों पर इशूज हैं, डेफिनेटली हमें वो एड्रेस करना चाहिए, मगर हम जिस जगह पे हमें कंप्लेन आ रही है हम वो सारे का सारा उस जगह पे उसको एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं देख रहा था आपके स्टेशन पे चल रहा है कि 37,000 टन उठाने का दावा, ये दावा नहीं है बेसिकली, हमारा तो सिस्टम कंप्यूटराइज है, जाके मेरे ख्याल से आपकी मीडिया टीम गई भी है कंप्लेंट सेंटर में। और दूसरा वेइंग ब्रिज पे जो डाटा उस जगह पे जो ट्रक उस जगह पे उसको वे करते हैं तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाता है। पिछले साल हमने 16,000 उठाया था दूसरे दिन पे, इस साल हमने कुछ 17,918 टन हमने उठाया। और दूसरा एक और बात आप समझें कि जिस सिस्टम की कैपेसिटी 6,500-7,000 टन की हो, जब वो इतना ज्यादा उठा रहा है सिस्टम काफी स्ट्रेस्ड होता है, 15,000-16,000 टन का कचरा एक दिन में जनरेट होता है इस जगह का ऑफिस का। ओके जी जी, ठीक है, हमारे साथ रहिए कैप्टन साहब, कुछ बात करना चाह रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ DC साहब। चेयरमैन साहब मैं ये कह रहा हूँ कि 43 यूनियन काउंसिल है,
यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, चेयरमैन मेरे साथ समीउल्लाह साहब भी मौजूद हैं, और ये सिर्फ कैमरे की आंख दिखा रही है, हम कोई अपने पास से ये नहीं दिखा रहे, यहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, ये किस तरह से साफ होंगे? चेयरमैन यहाँ पे समीउल्लाह जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुतअद्दिद बार आपके अमले को LWMC के अमले को फ़ोन किया है, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे, और जब जब ज़्यादा फ़ोन करें और यहाँ तब आते हैं और एक आधा ट्रक आता है और बाकी कूड़ा यहीं का यहीं पड़ा हुआ है, ताफुन फैल रहा है, लोग परेशान हैं इस वक्त, ये तमाम कैमरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, बच्चे भी बाहर निकले हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो बीमार हो जाएंगे। देखिए देखिए दो चीजें, एक तो ये चीज है कि देखिए एक एनिमल वेस्ट है, एक एक जो वेस्ट है या ऑफल्स का वेस्ट है, दूसरा है सॉलिड वेस्ट वाला है। हमारी मैक्सिमम प्रायोरिटी यही थी कि सबसे पहले इस सिस्टम में एनिमल वेस्ट को एड्रेस करें। मैं वैसे देख रहा हूँ बैकग्राउंड में मुझे कचरा नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से एनिमल वेस्ट नजर नहीं आ रहा, सॉलिड वेस्ट ही आ रहा है। और दूसरा जहाँ से जो चेयरमैन साहब है, मेरे ख्याल से हमें तो जो समेर साहब ने बाकायदा पूरी कंपनी को पे शिकवा किया, तो हमें तो इन लोगों से शिकवा है कि आप देखें इनको भी तो फील्ड में होना चाहिए, चेयरमैन है जो NTUC सेक्रेटरीज है या नीचे बाकी लोग जितने हैं, ये तो एक काम सबने करना है, सिर्फ हमारा काम तो नहीं है, ये तो खुद बगैती नुमाइंदे इन लोगों का भी टोटल काम है, इनने मुझे तो कोई इल्म नहीं किया, मैं तो हर बंदे करेंगे अटेंड करता हूँ, कोई ऐसा इशू है ये तो खुद भी सिस्टम का, ये तो गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, इनको चाहिए कि किसी को। कैप्टन साहब कतर कलामी की माजत, क्या यहाँ पे फिर ये भी नजर आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन में कहीं फ्लॉज नजर आ रहे हैं आपस में? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो देखें जो मेयर साहब हैं और बाकी जो उनका मेयर साहब ना, मुझे वैसे कल से परसों से बजाय आपके पास जाके सनसनी फैला दी, मुझे उन्हें अभी तक एक दफा फिर नहीं किया किस जगह पे क्या इशू है, और ये मैं समझता हूँ कि उनका पर्सनल उनका होना चाहिए कि जिससे आप किसी जगह पे अगर वो इनके बलदियाती नुमाइंदे हमसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो मेरे साथ का काम था कि बताते इस जगह पे ये इशू आ रहा था, हम इसको एड्रेस करें, ठीक है। ना उन्होंने एक दफा बात की, ना इनके किसी नुमाइंदे ने बात की, अच्छा नुमाइंदे हमसे बात नहीं करते, जिस जगह पे कचरा देखते हैं वो रोड टीम को लेकर चले जाते हैं, कहते हैं ये इशू आ रहा है, बट साथ साथ इनका काम देखें, मैं कहता हूँ कि ठीक है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मगर साथ साथ इनका ये काम भी तो है कि गवर्नमेंट को जो मगर कैप्टन साहब ठीक है अनवारुल हक साहब, कैप्टन साहब ये मसला ये है कि इस वक्त लाहौर न्यूज ने ये निशानदेही की है, ये तो आपकी अपनी आपस में कोई सर जंग चल रही है, मगर लाहौरियों का कोई कसूर नहीं है यहाँ पे, जो निशानदेही की है कम से कम आपका LWMC का अमला तो यहाँ पर आना चाहिए था, लोग परेशान है, शहरी परेशान है। आप सिर्फ देखिएगा, बिल्कुल जी जी, मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँ, आप देखेंगे कि मेरा ऑलरेडी जो मेरा AC है वो ये जो हाथा तजाब ये कोई जगह है शतवाल सिटी में, उसी जगह पे था, वो थोड़ी देर में इस जगह पे खुद उस जगह पे पहुंच जाएगा, और इंशाल्लाह अगर इसमें अगर मैं देख लेता हूँ, अगर ये जो कंसर्न स्टाफ है, अगर जिस तरह चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि उनने 3 दफा उसको कॉल की वो नहीं आ रहा, अगर ये बाकी ऐसा है तो फिर हम उसको टोटली सस्पेंड करेंगे, अगर इसको कंप्लेन गई है और उसने एड्रेस नहीं किया, डेलीबरेटली उसको डिले कर रहे हैं। ठीक है अनवारुल हक साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, इमरान मलिक आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपको यहाँ पर बताएं कि गंदगी से शहर की कोई जगह नहीं बची है, सड़कों के अलावा ड्रेन्स हैं जहाँ पर जानवरों की ओजड़ियाँ आंते और आलाइशें मौजूद हैं, और छुट्टी के बायस आज ड्रेनों की सफाई भी नहीं हो सकी है, और सेवरेज का तमाम सिस्टम जो है वो भी बैठ चुका है।